तो फाइनली देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे वो सब इंस्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे अभी चाय नाश्ता बिस्किट कॉफी ये अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि जो बाद में आते हैं मतलब डे आफ्टर जो 17 18 से कवर करेंगे उनको भी बस पानी मिल जाए पीने का उतना ही बहुत बड़ा भाग्य है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं भाई आज अपने बेस्ट यूनिफॉर्म में हैं। मैं कुछ लोग को बताऊंगा अभी ना किस फैकल्टी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये प्रोफेसरों की लाइन है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है, ये प्रोफेसर है। ये देखो प्लीज मैं चाहूंगा प्लीज प्लीज इनको दिखा। हाँ सर सर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ये पूरे प्रोफेसर है भाई ये। हाँ जी सर इस्माइल ओके वेलकम सर। ये पूरे हाँ जी सर सर यस थोड़ा सा स्माइल एग्जैक्टली ओके थैंक यू सर। तो ये पूरे हमारे पास फैकल्टी और डिपार्टमेंट वाइज जो हमारे जो एचओडी है जो डीन है वो लोग हैं। मतलब समझो कि ये लोग भी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में ये भी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में कवर कर रहे हैं आज थोड़ा सर एक फोटोग्राफी हो जाए। और अभी आर्ट फैकल्टी के जो मेरे डीन साहब है वो मेरे थोड़ा सा मैं चाहूँगा पीछे से दिखा देना सर को। अभी वो लोग अपने पूरे ग्रुप में है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो ये है हमारे आर्ट फैकल्टी के डीन जो कि वर्तमान समय में है। इन्हीं के कार्य एक तरह से देखा जाए तो मतलब आर्ट फैकल्टी पिछले 6-7 महीनों से सर के ही दिशा निर्देशन में कार्य कर रही है। मैं पूरा और भी घुमाना चाहूँगा फिर बाकी मैं कवर भी करूँगा। ठीक है, मतलब मैं प्रोफेसर को बात सर लोग से बात भी करूँगा। तो ये है एक डेकोरेशन का सफल हो गए तुम अपने मुहिम में। सफल हो गया सर फाइनली यूट्यूबर है देखिए रिकॉर्ड कर रहा है जो भी आप बोल रहे हैं। अरे तो ये तो अच्छी बात है आज का दिन तो बहुत ही रिकॉर्डेड। हाँ तो सर क्या बोलना चाहेंगे कुछ आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें यही बात है। और सर जितना आगे जाएगा सर शिक्षक के लिए उतना ही गर्व और गौरव का विषय है। सर के दिशा निर्देशन में इसमें विश्वविद्यालय जो है अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है और सर की वजह से फाइनली मेरी डिग्री जो है वो मुझे मिलने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका मेहनत लगन। आप सभी छात्र मेहनत करें लगन से अपनी पढ़ाई करें यही हमारी शुभकामना है आप सबको। ठीक अभी हम लोग ये हम लोग अब बाहर आ रहे हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई अंदर नहीं जाना चाहते है ठीक है तो वो यहाँ बैठ के इन सब टीवी के माध्यम से यहाँ चेयर बहुत सारे लगे हुए हैं आप इन चेयर पर बैठ के इस प्रोग्राम का मजा उठा सकते हो। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्लेस की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसे बहुत अच्छी सी एक पेंटिंग है पिछले बहुत सालों से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है बहुत सारे बच्चों की एक अच्छा वो आ गए। मैं चाहूँगा कि चीफ गेस्ट आ गए बीसी साहब आ गए एक बार हम लोग उनको भी कवर कर लेते हैं। सो फाइनली बाहर से कवर किया जाए अंदर ही सर को आने देते हैं। बाहर ही चलते हैं बाहर से ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ये हम लोग फाइनली बाहर आ गए भाई। बहुत 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 बेसिक है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा ये पता है कौन है ये हमारे वो है लाइक भीसी नहीं है वाइस क्या बोलते हैं उसे एक और पद था यार वहाँ पे नीरज नाम है शायद सर का नीरज खारे। माफ़ी चाहूँगा कि मैं विश्वविद्यालय के इतने बड़े व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जल्दी मिलना नहीं हो पाता। ये लोग भी बहुत कम मिलते हैं। अच्छा भीसी साहब ये है बीसी साहब हैं और साथ में चीफ गेस्ट भी हैं। अच्छा बीसी साहब पहले जाएंगे माली जी के पास। ओके वेल अच्छा सामने आ जाओ सर फोटो शूट करना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ देखो रजिस्ट्रार हैं ठीक है रजिस्ट्रार हैं और हमारे बीसी साहब हैं और हमारे चीफ गेस्ट हैं। थोड़ा सा जूम कर लेना। ठीक है, पीछे हैं मालवीय जी विश्वविद्यालय के जो हमारे फाउंडर हैं। पीछे मालवीय जी स्टैचू बट वैल्यू इज कवरिंग मालवीय जी नहीं है मालवीय जी पीछे मालवीय जी हैं स्टैचू मालवीय जी का है। व्हाट जस्ट स्टे विद कैमरा प्लीज कंटिन्यू जो सीजन कॉन्सेंट्रेट ओके विदाउट। हाँ तो ये हमारे विश्वविद्यालय का 103 यानी 103वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। और ये हमारे पीछे भीसी साहब हैं प्रोफेसर सुधीर जैन सर। ठीक है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा प्लीज कवर कर लीजिएगा।
बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं हमारे वो उपस्थित हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है। मेरा तो जी ही नहीं भर रहा है, मन कर रहा है कितना देखूं इसको। आप सभी यहाँ होते शायद अपनी आंखों से देखते तो आपको भी यही अनुभूति होती जो मुझे हो रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का यह दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। आज बहुत सारे जो छात्र हैं हजारों की संख्या में अपने पूरे वर्ष भर के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद डिग्री के तौर पे और प्रोत्साहन के तौर पे मेडल और बहुत सारा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और मैं आपको काशी विश्वविद्यालय की 103वें दीक्षांत समारोह का पूरा एक विवरण देने वाला हूं, पूरा एक टूर कराने वाला हूं, बहुत सारे यहां पे प्रोफेसरों से मिलने वाला हूं, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं जो हमारे वीसी साहब हैं वो भी आप यहां पे नज़र आएंगे, जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, जो हमारे कंट्रोलर साहब हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो आज नज़र आने वाले हैं। एक बड़ा शानदार सा फाउंटेन है, मैं अक्सर आता हूँ विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन के पास। ये आप अगर आज यहाँ होते तो अपनी आंखों से इस पे एक रेनबो देख पाते, जो कि हम लोग बहुत देर से देख पा रहे हैं, कैमरा की लेंस उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी। बड़ा अच्छा, बड़ा सुनहरा लग रहा है, जैसे कि मालवीय जी का जो एक ब्लेसिंग है वो इस फाउंटेन के माध्यम से हम सबको मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये अब शानदार दृश्य, बहुत ज्यादा इंतजार ना कराऊं, आप लोग को मैं दिखा दूं, ठीक है। तो ये एक देखो, बहुत सारा उत्साह है लोगों में, माथे पे तिलक है, किसी की आंखों पे चश्मा, किसी के सर पे एक बहुत बढ़िया सा साफा, और ये येलो वाला एक उतरिया, ये येलो वाला उतरिया, और ये है महादेव गुरु जी। चलिए हम लोग एक साथ ही अपना मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। अरे 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 महादेव महादेव प्रभु। और बताइए, अभी हम लोग सुन भी पा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको आज मेडल मिलने जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी का मौका है। थोड़ा अपना परिचय भी दीजिएगा हम लोग को। मेरा नाम शुभम शांडिल्य है। शुभम शांडिल जी से हमारी बात हो रही है। शुभम शांडिल जी आज उन लोगों में अपना नाम दर्ज करा पाए हैं जो 28 लोग हैं। मेडल तो काफी लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो 28 लोगों में अपनी पोजीशन बना पाना एक बहुत बड़ी बात है। तो किस अच्छा, और मैं बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक इनके लिए भी रहेगा, विश्वविद्यालय में हमेशा इनका नाम दर्ज हो गया। कारण ये है, क्योंकि आप लोगों ने एक कोर्स का नाम सुना होगा जो पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया विश्वविद्यालय में, और वो है हिंदू स्टडीज। श्रीमान जी ने उसमें अपना प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं हो, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? संदेश यही है कि ये जो दीक्षांत समारोह जो हो रहा है, ये सबके लिए खुशी का मौका है। सभी लोग इसमें जुटते हैं, पूर्व छात्र जुटते हैं, करंट छात्र यहाँ पर आते हैं, सबका समागम होता है। कुछ लोगों को मेडल्स मिलते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ उपाधियां ही मिलती हैं, लेकिन कि कुल मिलाकर ये उमंग और उल्लास का ही एक मौका होता है। हर कोई इसको बराबरी से एंजॉय कर सकता है, हर कोई बराबरी से एंजॉय करता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए, जब कोई वर्ष भर मेहनत करता है तो उसको मेडल के तौर पे या कोई प्रशस्ति पत्र के तौर पे अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, वो उसे और भी अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। आप लग रहा है साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। जी, मैं सांख्यिकी से, मेरा बैचलर्स हुआ है, और हिंदू अध्ययन से मैंने यहां पर अपना निष्णात कंप्लीट किया है। देखिए यहां पे कानपुर में भाई कितनी बड़ी पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ, IIT कानपुर में सर का एक प्रोजेक्ट भी असाइन हुआ है। बहुत जी, वहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ। कार्यरत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, एक अच्छे और बड़े पद पे जाएं और अपना जो आशीर्वाद है अपने छोटे जूनियरों के लिए बनाए रखें। जी जी बिल्कुल, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे पीछे अभी आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय में वीसी
के तौर पर भी कार्य किए हुए हैं, ठीक है, इनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और ये पूरा वो एक डेकोरेशन है, ठीक है, जो कि 103वीं कन्वोकेशन की डेकोरेशन आपके सामने उपस्थित है। वैसे मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो दीक्षांत समारोह का डिजाइन है, जो ये डेकोरेशन है, ये पिछले साल से काफी ज्यादा धूमिल है। पिछले साल यहाँ पे डेकोरेशन की जो एक जो चकाचौंध थी वो काफी ज्यादा थी। मैं आपको अंदर भी ले चलूंगा, लेकिन कुछ फ्लावर वगैरह दिखाना चाहूंगा जो कि विश्वविद्यालय के प्रांगण के ही जो बगिया है वहीं पे उगाए गए फ्लावर है, ठीक है। तो ये है आपके गुलदाउदी का एक गुलदस्ता है जो कि बड़ा शानदार लुक दे रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ ही समय के बाद हम लोग का जो होने वाला है फाउंडेशन डे, ठीक है, अभी हम लोग का फाउंडेशन डे जब होता है तो उसमें भी फूल एग्जीबिशन का पूरा एक लगभग 10,000 फूलों के साथ एक बहुत बढ़िया सा एग्जीबिशन होता है। मैं चाहूँगा इस एंगल से आप थोड़ा सा दिखाइएगा कन्वोकेशन का वो पोस्टर, बड़ा शानदार सा लुक दे रहा है। और ये वो स्थान है दीक्षांत समारोह का जहाँ पे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े जो कार्य हैं, अक्सर कभी कभी अगर आपने सुना होगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, कभी आपने सुना होगा हमारे कोई बड़े मिनिस्ट्री के लोग जब आते हैं तो जनरली इन्हीं सब स्थानों से जो व्याख्यान है वो लोगों के बीच में प्रेषित करते हैं। अभी हमारा कुलगीत स्टार्ट हो चुका है विश्वविद्यालय के इस स्वतंत्रता भवन के हॉल में। मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा अंदर तक चल के आपको विजिट करके दिखाते हैं कि वो हॉल के अंदर का जो एक सीन है वो कैसा। तो ये है हम लोग का एंट्रेंस जहाँ पे कल, आज तो अभी 16 है, 17 को यहाँ का जो माहौल होगा वो अपने आप में एक बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि 17 को हमारे बीच में विश्वविद्यालय के वो सभी तमाम छात्र उपस्थित होने वाले हैं। अच्छा, ये सीन बड़ा अच्छा है, देखिए बड़े ही मधुर संगीत के साथ अभी यहाँ पे प्रोफेसरों की एंट्री कराई जा रही है। सो आइए फिर हम लोग अंदर चलते हैं। अभी यहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स हैं अपने फैकल्टी और डिपार्टमेंट वाइज जो डीन होते हैं, छोटी होते हैं, वो लोग जो हैं अपना लाइन लगा के खड़े हैं। और ये बहुत वाह, क्या लुक है, ये कुछ आज का शानदार लुक होने वाला है हमारे BHU के स्वतंत्रता भवन दीक्षांत समारोह का। स्टेज बन के तैयार है, बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही शानदार दिन है। और मैं आपको सभी स्थान दिखाऊंगा जहाँ पे मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, वो स्थान दिखाऊंगा जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, जहाँ पे हमारे गार्जियंस आके बैठ सकते हैं और मीडिया वगैरह। काशी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का वह स्थान जहाँ से आज बहुत सारे लोगों को मेडल मिलना है, डिग्री मिलना है, पूरा सच के तैयार हो चुका है। बस हमारे जो फाइनली VC साहब हैं और जो चीफ गेस्ट हैं जो कि VC साहब के साथ ही आने वाले हैं, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा चाहूँगा कि इसका पूरा एक भ्रमण कराया जाए, क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों का एक्साइटमेंट होता है कि एक्चुअली ये पूरा जो समारोह वह दिखता कैसा है और कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, तो हम लोग फॉलो कर लेंगे थोड़ा सा। ओके सर, लास्ट है, जस्ट राउंड लाके हम लोग आ जाएंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर हैं वो आ चुके हैं, डिपार्टमेंट के डीन है, छोटी अभी बहुत लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। और ये सर हैं जो कि जिनके पास मेडल की लिस्ट है। देखो मेडल जो है वो 28 लोग को ही मिल रहा है जो जो यूनिवर्सिटी में टॉप है, लाइक अपने पर्टिकुलर ऑनर्स में टॉप है, वो भी जो फैकल्टी वाइज जो टॉपर है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो मेडलिस्ट हैं, लाइक 20 लास्ट में कितना आ रहा है, 28 मेडल, ठीक है, 28 मेडल है जो कि अलग अलग फैकल्टी लाइक साइंस का होगा, आर्ट्स का होगा, इस तरीके से होगा। तो कुछ लोग के नाम भी आप देख सकते हो सीट पर पहले से लिखा,
लिखा हुआ है, जैसे अनुप्रिया यादव, सौरभ शुक्ला, आयुषी शर्मा, ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट निकली गई, निकाली गई थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग है भाई। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, ये स्टेज है जहाँ पे जो, हाँ सर को चाहूँगा दिखाना थोड़ा सा, ये है हमारे कंट्रोलर, BHU के कंट्रोलर साहब, जिनके दिशा निर्देशन में आज की जो पूरी डिग्री है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहने मतलब है कि भाई BHU का जो भी हमारा मार्क्स और डिग्री जो होता है वो सर के सानिध्य में 2023 का पूरा हो रहा है। तो ये सर हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास जो पहला चेयर है वो रजिस्ट्रार का है, ठीक है, और उसके बाद है वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस चांसलर हमारे जो है, फिर हमारे जो चांसलर वो बैठेंगे, फिर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो बैठेंगे, और जो हमारे रेक्टर हैं वो बैठेंगे, ठीक है, आगे भी फॉलो कर लेते हैं हम लोग। और ये जो पीछे का पूरा जो चेयर्स लगी हुई हैं, आज डिसाइडेड है लाइक किस चेयर पे किसको बैठना है, ये सब पूरा डिसाइडेड है, इसीलिए इसकी भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कन्वोकेशन में जो पहला दिन होता है वो जनरली मेडलिस्ट के लिए होता है, और प्रोग्राम थोड़ा इन लोग का भाई चीफ गेस्ट आते हैं उन्हें ज़्यादा बिजी नहीं करना है, तो बहुत ही एक लाइट वे में रखा जाता है। लेकिन कल का जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है कल, तो मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं रहेगा, ठीक है, ये ओके, तो ये हाँ मतलब ठीक, मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, फॉलो भी कर ले रहा हूँ। तो ये है कि लाइक जो आर्ट्स फैकल्टी के कल कुछ लोग इसमें मेडल लेंगे, ये वो लोग हैं, क्योंकि मैं जैसा बताया कि मेडल ज़रूरी नहीं है कि आज ही सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पहले से उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि मेडल जो है कब देना है, किसको देना है, ठीक है, तो इनको बस आप देख लो इनका चेहरा, क्योंकि सबको तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, सर भी अब आने वाले हैं, ठीक है, हम लोग फॉलो कर लेंगे ऊपर, ठीक है, ये जो है इनको तो दिखा देना अच्छे से। आज की जो संख्या है वो इतनी कम है, ये लोग वो हैं जो मेडल अभी कल लेंगे, मतलब कल लेंगे या फिर अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी में लेंगे, ऐसा करके ये लोग ले सकते हैं। और भाई कल का जो सीन है पूरा ना, वो आप देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो, क्योंकि कल ये पूरी जो खाली चेयर है, मैं दिखा देना, ये खाली जो चेयर है, ठीक है, ये पूरा भर जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? अक्षिता। अक्षिता, ये NSS, अभी कौन है NSS का नया कोऑर्डिनेटर, कौन है? डॉक्टर मीना। अच्छा, कोई मैम बनी है? क्या नाम है? मीना। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे प्रोग्राम? ये देखो, इतने जो जहाँ पे लोग मेडल लेते हैं, जहाँ पे लोग अपने अपने हैप्पीनेस के लिए आते हैं, मतलब सेल्फ के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये देखो दूसरों के लिए यहाँ पे, तो आपको क्या काम करना है बेसिकली यहाँ पे? बेसिकली मेरा क्राउड मैनेजमेंट का काम है। अच्छा, क्राउड मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज क्राउड? हाँ जी, क्राउड आएंगे उनको बैठाना। एग्जैक्टली, मतलब आपको प्लेस बताना है कि किस चेयर पे किसको बैठना है। एग्जैक्टली, आपका क्या नाम है वैसे? अक्षिता। अच्छा, नाम बताया आपने, किस फैकल्टी डिपार्टमेंट से? MMB से। मुझे जानते हो? हाँ जी। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखो ऐसा बन, बहुत बढ़िया, अब हम लोग सब बाहर का कवर करेंगे, ठीक है। ये है एक शानदार स्थल।